दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। क्यों? सब जानते हैं कि धरती माता आपको कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है। वर्मा सर जानना चाह रहे हैं कि आप कितने फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट करेंगे। कैलकुलेट द फोर्स विद विच यू आर अट्रैक्ट द अर्थ। तो आपने कहा बहुत सिंपल सर, ये आप है। एम आई राइट? अब बुरा ना मानिएगा, इससे अच्छी हमारी ड्राइंग है नहीं। और ये आप खड़े हुए धरती के ऊपर, एम आई राइट? और आपने कहा ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, यानी कि पूरा हमारा मास यहीं पे कंसंट्रेट है, और धरती माता हमको एम इंटू जी यानी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से खींचती है, जो कि आपका वेट होता है। तो मान लीजिए आपका वेट 50 kg का है, एम आई राइट? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ना लेके 10 ले लिया हमने अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए, तो ये क्या हो गया बेटा? 500 न्यूटन। यानी कि धरती माता हमको 500 न्यूटन से खींच रही है, राइट? लेकिन हमको बताना कितना कि हम कैसे धरती खींचे। दोस्तों, ये जो धरती है इसको फाड़ के आप अंदर तो जा नहीं रहे, तो क्या हो रहा है? यहां से एक रिएक्शन लग रहा है, क्योंकि धरती माता भी आपको जंप मार के पीछे नहीं कर रही है, और ना ही आप धरती को फाड़ के अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब जितना एमजी लगा रहे हैं उतना ही आपका रिएक्शनल फोर्स है, यानी जितना आप धरती माता आपको खींच रही हैं, क्योंकि कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है कि आप धरती तोड़ के अंदर नहीं जा रहे हैं, ना ही आप ऊपर उछल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपका रिएक्शनरी फोर्स है वो डब्ल्यू के बराबर है, वो भी 500 न्यूटन है। या आप कह सकते हैं कि आप जो हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं अर्थ को 500 न्यूटन फोर्स से।